लॉकडाउन खुल रहा है, ऐसे में भी श्रमिकों का पलायन जारी है, लेकिन नेता इसकी सहायता करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। पंजाब से दो बसों में करीब 39 परिवारों के लोग सिंगरौली पहुंचे। इन श्रमिकों ने पंजाब सरकार और स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाया कि किसी ने भी उनकी कोई सहायता नहीं की, वे खुद के खर्चे पर यहाँ तक पहुंचे हैं। पंजाब के लुधियाना शहर बंगा से दो बसों में 39 परिवार के लोग सिंगरौली पहुंचे। कांग्रेस और भाजपा की सरकारें अपना दावा मजबूत करने में लगी हैं कि उन्होंने श्रमिकों के लिए बस और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन प्रवासी मजदूर अब भी परेशान हो रहा है। पंजाब से आए इन लोगों का कहना है कि ना तो पंजाब की सरकार ने इनकी कोई मदद की और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने कोई मदद की है। उन्होंने बताया कि काम धंधा बंद हो जाने के कारण उन्हें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा है। सभी ने मिलकर 2 लाख में दो बसों की और यहाँ तक पहुँचे हैं। राम परिहासी परिहासी मजगवा घिनहा का परिहासी लुधियाना से चले चले हैं। सारी बस द्वारा नहीं आए हैं सर जी, अपने सरकार काम मतलब साधन से आए हैं, पैसा लगा है। वैसे 2 बस के 2 लाख रुपए सारे आदमी मिला करके हम लोग वहाँ के शासन द्वारा व्यवस्था नहीं की गई, व्यवस्था नहीं हुआ, इसीलिए तो हम लोग मजबूरी से अपने गाड़ी जुगाड़ करके आए। कोई खाना पानी नहीं मिला। हम संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।